हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माय सेल्फ सुजीत दुबे और वाई ई सी पर आपका स्वागत है। आज टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर ये जो लेवल है एक्चुअल में ये एक्चुअल 9th लेवल का है, बट ये इसका यूज़ आपको हर जगह मिलेगा, 10th में भी मिलेगा आपका यूज़। तो इस तरह से देखा जाए तो ये टॉपिक क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक आपका आता रहता है, पूछता रहता है कि दो फिगर कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानना चाहें। कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस समथिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स और फिगर, ठीक है, whose shape and size, whose shape and size both are same, देखो दो congruent figure हैं तो वो दोनों हर एक respect में equal होने चाहिए। हर एक रेस्पेक्ट मतलब क्या, उसके लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट, सब कुछ क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। कोई भी फिगर हो या फिर कोई भी वस्तु हो, उसके साइज और शेप बिल्कुल सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखा जाए एटीएम कार्ड, ओके, तो एटीएम कार्ड का जो साइज है वो शेप है क्या, बिल्कुल एक ही जैसा है। आप किसी भी कंपनी का एटीएम कार्ड लेंगे और किसी भी एटीएम मशीन में एंटर करके पैसा निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि स्काई उसके क्योंकि उसके साइज और शेप क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और वहाँ पे जहाँ पे एंट्री अप कर रहे हो एटीएम मशीन में, वहाँ पे जो उसके लिए स्पेस खाली है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तभी तो एटीएम कार्ड्स हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। इस तरह आप देखेंगे तो सिम कार्ड देख लीजिए, मोबाइल का जो सिम कार्ड है, चाहे किसी भी कंपनी का लीजिए, एयरटेल का लीजिए, है कि नहीं, एयरटेल का लीजिए या फिर वोडाफोन का लीजिए या फिर आइडिया का लीजिए, जो भी कंपनी है वो सभी क्या है, एक ही साइज़ के होते हैं। इस तरह सिम कार्ड हो गया, इस तरह आधार कार्ड का जो टाइप है आधार कार्ड का, वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। पैन कार्ड की जो साइज सेफ है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। और ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर है इनके, इस फिगर की साइज़ क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, साइज एंड सेप दोनों। तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है, क्या होते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब रेस्पेक्ट, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर तरह से बराबर हो, बिल्कुल, ठीक है ना। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। क्या है बच्चों, टुडे और टॉपिक इज द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये है आपका मेन जो कि एग्जाम्स के लिए आता रहता है, ठीक है। तो पहले ये जान लीजिए कि ट्रायंगल ये होता है आपका, ठीक है, इसके कुल 6 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर ट्रायंगल एबीसी की बात की जाए तो हमारे जो साइड ए बी है, हमारा ये जो साइड बी सी है, हमारा ये जो साइड ए सी है, ठीक है, 3 पार्ट हो गया। फिर ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल सी है, ये कुल मिलाकर कुल कितने पार्ट्स हुए हैं, 6 पार्ट्स हैं। इन 6 में से कोई भी 3 पार्ट्स हमें इक्वल करना होता है, ठीक है, इन 6 में से हमें कोई भी 3 पार्ट्स इक्वल करना होता है किसी दो ट्राइंगल के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। चलिए अब सीखते हैं कॉन्ग्रुएंस होने की प्रॉपर्टी या कंडीशन।
दो ट्रायंगल आपके पास है, एक और ट्रायंगल आपके पास है, ठीक है। टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इफ कॉन्ग्रुएंट को कहे जाएंगे कब, जब पहला कंडीशन क्या है भाई, या तो साइड 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 बराबर तीनों का, ठीक है, तीनों के क्या हो, साइड बराबर हो, सॉरी दोनों की आपस में साइड्स बराबर हो, या फिर दूसरा कंडीशन है दो साइड और एक एंगल बराबर हो, या फिर तीसरा कंडीशन है दो एंगल और एक साइड बराबर हो, ठीक है। ये कंडीशन है, या फिर ये हो सकता है राइट हैंड साइड, ठीक है। ये कंडीशन है क्या कॉन्ग्रुएंस होने की, दोनों ट्रायंगल का, पहले ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होना चाहिए वो भी, है ना। फिर दूसरे ट्रायंगल का पहले ट्रायंगल का पहला साइड दूसरे ट्रायंगल का दूसरा साइड से इक्वल हो, मतलब अगर एसएस की बात की जाए तो इसका ये साइड इक्वल हो, इसका ये साइड इक्वल हो, और इसका ये साइड इक्वल हो, ऐसा तो हमारा क्या होता है कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस की जो साइन है वो होती है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इस केस में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहे जाएंगे जब तीन एलिमेंट उसके बराबर होंगे, कोई भी तीन एलिमेंट क्या होंगे बराबर होगा, दैट मीन्स दोनों के तीन साइड बराबर हो जाए तो हम कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो हम कह सकते हैं, या फिर एक एंगल दो साइड बराबर हो तो कह सकते हैं कि फिगर कैसे हमारे यहाँ कॉन्ग्रुएंट है। ओके, करिस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो आप, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए करिस्पॉन्डिंग की बात अगर हो रही है तो यहाँ पर आपका जो एंगल ए है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पी है भाई, ऊपर है तो ऊपर का ऊपर के साथ, ठीक है। अगर बी को लिया जाए तो आपको शायद पता चल गया होगा बी का करस्पॉन्डिंग क्या है भाई, क्यू है। इस तरह सी का देखा जाए बेटा तो सी का करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, आर है, एंगल मतलब एंगल में, ठीक है। इसी तरह अगर साइड की बात की जाए बच्चों, साइड की बात की जाए साइड की बात किया जाए अगर तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ए बी साइड का जो है करस्पॉन्डिंग हमारा पी क्यू है, बी सी साइड का करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर है, ठीक है। और ए सी साइड का करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर है, दिस इज द साइन ऑफ करस्पॉन्डिंग। ओके, समझ में आया, करस्पॉन्ड्स की साइन है ये। ओके, तो ये क्राइटेरिया है आपका, क्या है भाई क्राइटेरिया है किसके लिए,
कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए। तो इसमें जो पहला दूसरा रूल है वो है आपका एस ए एस कॉन्ग्रुएंस और दूसरा ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, एस ए एस और ए एस ए कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। हमें यहाँ पे पहले एस ए एस या फिर ए एस ए कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ओके ए सी इज इक्वल टू बी डी इज गिवन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, ओके फ्रॉम द नाइन्थ क्लास ऑफ द एक्सरसाइज 7.1। बाइसेक्ट एंगल ए, ए सी बी डी बराबर है और एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है एंड ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, शो दैट, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब देखिए ये आपका है क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी बी डी क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन फिगर ये गिवन है, हा? यहाँ पर ए सी और ए डी बराबर है बेटा दिया है, और जो ए बी है ए बी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ऐसा, तो वो गिवन में आ जाएगा आपका, ठीक है ना, कहाँ पे आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा। तो गिवन क्या है बेटा, यहाँ पे देखो मैं इसको सब मिटा के आपको समझाता हूँ कि गिवन क्या है। गिवन में क्या है बेटा, गिवन में आपका है ए सी इज इक्वल टू बी डी, सॉरी ए सी इज इक्वल टू ए डी और एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, यानी सी ए बी, सी ए बी इज इक्वल टू बी ए डी, ठीक है। हमें लाना क्या है, हमें प्रूफ करना है बच्चों कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो इस तरह से कोई भी थ्योरम या भी कोई भी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं जो कि प्रूफ करने वाला होता है, ठीक है, ज्योमेट्री में, ये ज्योमेट्री के सम्स को जो हम लोग प्रूफ करने वाले होते हैं ना उसको ऐसे लिखते हैं, पहले गिवन लिख देते हैं क्या गिवन है हमारे पास, उसके बाद हमें क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है, तो उसको टू प्रूफ लिख देते हैं, आफ्टर दैट हम प्रूफ देते हैं, प्रूफ मीन्स द सोल्यूशन, क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे हो रहा है, ओके क्लियर है। अब देखिए हम जिस जो हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट लाना है उसी ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जर्व करेंगे। तो दैट मीन्स कौन कौन सा ट्रायंगल है आपके पास, देखो ये एक तो बेटा ये ट्रायंगल है आपके पास, इसमें हमें ऑब्जर्व करना है, दिख रहा है आपको ये रेड वाले कलर का, और दूसरा ट्रायंगल बच्चों हमारे पास है ये वाला, ये ग्रीन वाला जो कि हमें ऑब्जर्व करना है, इसी दो ट्रायंगल हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, क्लियर है। देखिए तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एंड ट्रायंगल एबीडी, इसी को प्रूफ करना था ना, एबीसी और एबीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसी ट्रायंगल में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे,
एबीसी का जो साइड एसी है और एबीडी का जो साइड एडी है वो बेटा इक्वल है, बट कैसे इक्वल है बच्चों, वो गिवन है बेटा। देखो अच्छा, अभी हमने ऊपर लिखा है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी एडी, ठीक है, एबीसी का ट्रायंगल एबीसी का सी ए बी एंगल और ट्रायंगल एबीडी का बी एडी एंगल इक्वल है, वो भी क्या है बेटा, गिवन है, ठीक है। अभी एक चीज आपको और मिल सकती है, वो क्या है, ए बी दोनों में है, ए बी कॉमन है हमारा, ए बी इज इक्वल टू ए बी विच इज कॉमन, विच इज कॉमन, या आप ए बी देखो दोनों में है कि नहीं, दोनों में है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई साइड ये एंगल है ये साइड है, तो बाई साइड एंगल साइड थ्योरम, बट वी यू कैन राइट लिखेंगे बाई लास्ट में फाइनली बाई साइड एंगल साइड थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ किया, हमने करस्पॉन्डिंग चीजों को लेना है, गिवन में होगा या फिर कोई ऐसा रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा लॉजिकली, जैसे कि या फिर कॉमन मिल सकता है, अगर कुछ नहीं मिलता तो कॉमन साइड या फिर कॉमन एंगल तो मिलेगा ही, या फिर वर्टिकली अपोजिट मिल सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, आइसोसेलस दिया रहेगा तो आइसोसेलस में ऑलरेडी दो साइड इक्वल होते हैं, तो उस तरह से हमें कुछ मिल सकता है, किसी भी लॉजिक के थ्रू हमें कोई ना कोई चीज़ मिलेगा है जिससे हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स को या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, वो लिखा हुआ है ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ओके अब आगे देखिए, और भी हम ले सकते हैं फोर्थ, सेवन पॉइंट वन का फोर्थ हम ले सकते हैं, क्लास नाइन्थ का, नाइन्थ के एक्सरसाइज 7.1 का ये सब चल रहा है, वो भी एनसीईआरटी बुक का, ओके उसी का हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सब। अब देखिए फोर नंबर है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, एल एम एंड टू पैरेलल लाइंस है बेटा, यहाँ पे फिगर में बना देता हूँ, देखो ये एल लाइन है बेटा और ये एम लाइन है, दोनों क्या है आपस में, पैरेलल है, दोनों क्या है आपस में, पैरेलल है, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, बात क्लियर है। फिर दो पैरेलल लाइन और है पी और एक और है कौन, क्यू,
तो कुछ बन रहा है यहाँ पे, ए बन रहा है, बी सी डी, यहाँ बीचो बीच लाइन खींची गई है। यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सीडीए ऐसा हमें लाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, गिवन तो कुछ है नहीं, तो ये हमें लाना है। अब हम प्रूफ करते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। जो लाना है उसी ट्रायंगल लेते हैं, एन ट्रायंगल एबीसी, एन ट्रायंगल सीडीए में हम लोग लेते हैं। चलो क्लियर है, ओके। एबीसी और सीडीए में हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर क्या होगा, तो यहां पर हाँ ए बी सी और ए सी डी ए में ए सी तो हमारा कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है आपका कॉमन है। कौन से दो ट्रायंगल में विद्यार्थियों, इस वाले ट्रायंगलों की बात हो रही है और इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। ओके अब देखिए होगा कैसे, इसमें एसी और एसी क्या है कॉमन है आपका, ओके। और ये एंगल और इसका ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये अल्टरनेट में आता है बेटा, क्योंकि अब पीसी जो है ट्रांसवर्सल का काम करेगा ऐसा, तो डीपीसी इज इक्वल टू बी सी ए। एक चीज और, इस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी सी डी। अब क्या मिला हमें, साइड मिला, एंगल मिला, एंगल मिला बाय साइड एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी इज टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू सीडीए, ठीक है। एबीसी जो है सीडीए की क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट हुआ। ओके नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, बात करें अगर फिफ्थ की, तो देखिए कैसे हैं। फिफ्थ में दिया गया है सब कुछ बेटा, यहां पर ये बोला गया कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, एंगल ए का ही जो एंगल है वो इक्वल होगा। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द एंगल ए, हमें शो करना है। अच्छा यहाँ पे गिवन है, इसको अगर बी ले लेंगे हमारा, तो क्यू ए बी इज इक्वल टू
BAP ये गिवन है, यही वाला एंगल, ये वाला और ये वाला गिवन एंगल है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। प्रूफ चलो करते हैं, इसी में लेंगे ट्रायंगल ABB एंड ट्रायंगल AQB। इसी में ऑब्जर्व कीजिए तो APB और AQB, APB का पहली बात तो ये आपका QAB एंगल, QAB इज इक्वल टू एंगल BAP इक्वल हो जाएगा, गिवन है क्योंकि लाइन LAB को बाइसेक्ट करता है, और BAQB बराबर APB क्योंकि ये क्या है 90 है, परपेंडिकुलर है ना, AQB एंड APB 90 है, ओके बराबर है। और बच्चों जो AB बीच में लाइन गई है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, जो AB क्या है वो दोनों ट्रायंगल में है, यानी AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई, एंगल एंगल साइड भाई, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, ठीक है। अब ये बेटा हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BP बाई CP CT, एक तो प्रूफ हमारा हो गया। सेकंड जो पार्ट दिया गया है वो उसकी बात हो रही है, सेकंड पार्ट पूछा है कि BP और BQ इक्वल है क्या, तो लिखेंगे बाई CP CT BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। BP क्या होगा, BP क्या होगा, BQ के इक्वल हो जाएगा बाई CP CT करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, है ना। तो फिर से एक बार कर लेते हैं रिवीजन टाइप का, रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन को कि भाई हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल सॉरी छोटा बड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम साइज का रहेगा। तो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं बच्चों, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो तभी होते हैं जब कोई भी इसका एक साइड इसके साइड के बराबर हो, इसका साइड इसके साइड के बराबर हो, इसका साइड इसके साइड के बराबर हो। तीन चीज़ मिल गया ना, पहले का साइड, दूसरे का साइड, तीसरे का साइड, पहले का साइड दूसरे के पहले के साइड के बराबर हो, यानी ऐसे ऐसे सिस्टम कहते हैं इसको। या फिर बेटा दो एंगल मिल जाए, एंगल इज इक्वल टू एंगल, एंगल इज इक्वल टू एंगल, साइड इज इक्वल टू साइड, या फिर बेटा क्या हो जाए, दो साइड मिल जाए, साइड इज इक्वल टू साइड, साइड इज इक्वल टू साइड, एंगल इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। तो भी हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ऐसा हमारा हो जाता है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, वो हमारा तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल को दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बाकी रह जाएगा, उसको हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़
आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें हम उसको इम्प्रूव करेंगे फिर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और भी इससे रिलेटेड सम लेकर आएंगे जो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए रहेगा, कुछ थ्योरम्स भी रहेंगे हमारे, इसका यूज़ हम करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।